तो यहां से मैंने ओपन कर लिया है, देखते हैं इसमें गांठे निकलेंगे या नहीं। तो दोस्तों ये रहा एनाबॉलिक मास गेनर, देख रहे हैं दोस्तों आप। ओ लकीली जो है स्कूप ऊपर ही मिल गया है, अगर अंदर होता तो आज मेरे जो है हाथ भी चख लेते मास गेनर। तो मैं पानी ले लेता हूं आईडीए से। ये होगा हीप्ड स्कूप जो कंपनी कह रही है, ये है बिल्कुल भरा हुआ, 60 ग्राम का है ये, 60 ग्राम का है। स्कूप की शेप जो है वो देख, इसको मिक्स करते हैं जरा, देखते हैं क्या है मिक्सिबिलिटी। तो मैं इसको टेस्ट करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विला फैमिली पर, क्योंकि ये सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं, ये परिवार सप्लीमेंट्स विला परिवार। तो दोस्तों आज हम फिर आ जाए आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप ही की रिक्वेस्ट पर केविन लेवरॉन एनाबॉलिक मास गेनर, इसकी 7 kg की जो पैकिंग है इसकी आज हम ओपनिंग करेंगे, मिक्सिबिलिटी टेस्ट सब कुछ जानेंगे, क्योंकि ये अब नया आया है। और जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ इसके बारे में कि अब इसमें लम्स की जो प्रॉब्लम पहली बार थी जब जिसकी मैंने ओपनिंग वीडियो बनाई थी, ये वीडियो आप देख सकते हैं, वो प्रॉब्लम अब इसमें नहीं है। कुछ पैकिंग भी इसकी चेंज हो गई है, तो अब हम देखते हैं जरा कैसी है इसकी अंदर से अब पैकिंग, ओपनिंग, शोपनिंग और मिक्सिबिलिटी सारी चीजें। सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। देखिए दोस्तों, मास गेनर लिख गया आगे, मास गेनर, मास गेनर का मतलब वजन तो ये बढ़ाएगा 100%, पर ये हाई प्रोटीन मास गेनर है जो कि मसल साइज भी देगा आपको। अगर मैं एक सर्विंग की बात करता हूं जो कि कंपनी कह रही है यहां पर, वो होगी 120 ग्राम की, उसमें 48 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको, मतलब एक स्कूप 60 ग्राम की उसमें भी 24 ग्राम प्रोटीन, मतलब कंटेंट देख रहे हैं प्रोटीन का कितना ज्यादा दिया हुआ है। तो हाई प्रोटीन मास गेनर है। और दोस्तों उसके अलावा यहां पर और भी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, जैसे इसमें हमको टॉरिन भी मिल रहा है, इसमें हमको कैल्शियम भी मिल रहा है, इसमें डी ए भी मिल रहा है हमको, क्रेटीन भी मिल रहा है हमको, आर्जिनिन, ऑर्थिनिन, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट, ये सारी कुछ जो है इंग्रेडिएंट्स है वो भी हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो नो डाउट ये एक अच्छा एनाबॉलिक मास गेनर है। दोस्तों यहां पर अब जो है हम इसकी प्राइस के भी बारे में एक बार जान लेते हैं, क्योंकि प्राइस को लेकर भी आप काफी बार कहते हैं। तो प्राइस में बता दूं दोस्तों, एलियो इसके इंपोर्टर हैं, एमआरपी दिया हुआ है 9999, बट सप्लीमेंट्स विला पर इसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 6300, वो भी ओरिजिनल विद जीएसटी बिल, करंट इंपोर्ट टैग और फ्रेश लॉट के साथ। दोस्तों देखिए, कॉपी हर प्रोडक्ट की मार्केट में है, फेक माफिया हर तरीके से फंसाना चाहेगा, पर आपको फंसना नहीं है और जुड़ना है सप्लीमेंट्स विला फैमिली से। आप सप्लीमेंट ले या ना ले वो अलग चीज है, बट आप जुड़े फैमिली से। यहां पर आपको पता लगेगा बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, बताते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर तरीके से आपको अवेयर करने की कोशिश करते हैं हम। यहां परिवार है, परिवार की तरह चलते हैं। और दोस्तों रिजल्ट आप काफी बार कहते हैं रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं बता दूं आपको, सप्लीमेंट्स वाला फैमिली से अगर आप जुड़ गए तो रिजल्ट तो मिलना ही है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा पीछा नहीं छोड़ना मुझे आपका। तो यहां पर एनाबॉलिक मास गेनर ये रहा, इसकी कुछ पैकिंग देख रहे हैं आप, ये जो है ये ग्लॉसी टाइप में इसकी पैकिंग कुछ हो गई है, पहली वाली थोड़ी सी रफ थोड़ी सी पैकिंग थी उसकी, वो देख सकते हैं आप पुरानी वीडियोस में। तो यहां पर दोस्तों इसकी ओपनिंग हम करते हैं, यहां देखिए यहां पर जो है कट करने के लिए एक यहां मार्क दिया हुआ है, तो मैं इसको हाथ से ही कर लेता हूं, आप चाहें तो इसे कैंची से भी कर सकते हैं, पर ये हाथ से मुझे लग रहा है कि काफी मेहनत कराएगा। तो यहां से इसको मैं ओपन करता हूं। दोस्तों आपको सावधानी से फाड़ना है, कहीं इसका जिप लॉक ना फट जाए, क्योंकि जिप लॉक अगर फटा फिर आपको ये किसी एयर टाइट कंटेनर में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर इसमें जो है मॉइस्चर वगैरह आने की परेशानी हो सकती है। तो यहां से मैंने ओपन कर लिया है, आप ही के लिए स्पेशल मैं ओपनिंग वीडियो बना रहा हूं, देखते हैं इसमें गांठे निकलेंगे या नहीं। तो दोस्तों ये रहा एनाबॉलिक मास गेनर, कोई भी इसमें लम्स नहीं है इस बार, तो जो कि एक अच्छी बात है। देख रहे हैं दोस्तों आप, ये रहा चॉकलेट, ये फ्लेवर है और खुशबू काफी अच्छी है। अब इसका स्कूप भी निकाल लेते हैं, देखते हैं कि स्कूप है या स्कूपा है। ओ लकीली जो है स्कूप ऊपर ही मिल गया है, अगर अंदर होता तो आज मेरे जो है हाथ भी चख लेते मास गेनर। तो यहां पर दोस्तों ये रहा इसका स्कूप, तो स्कूप ही है यार, स्कूपा तो इसे हम नहीं कहेंगे, ट्रांसपेरेंट ये स्कूप है जिसमें कुछ ये लेवल भी दिए हुए हैं। ये यार स्कूप बड़ा ही अजीब लगा मुझे तो, क्योंकि यहां पर जो है ये इसमें ग्राम है, इसमें ml में दिए हुए हैं, 20 ml, 40 ml, 60 ml, 80 ml, 100 ml, कुछ ग्राम देते तो समझ आता था, पर ml में जो है दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे आप। तो ये रहा इसका स्कूप। अब जो है दोस्तों जैसा कि मैं बता चुका हूं, 60 ग्राम का स्कूप है इसका, क्योंकि 2 स्कूप की सर्विंग इसमें बताई हुई है, देखिए यहां पर पीछे लिखा हुआ है
कि दो हीब्रू स्कूप 120 ग्राम के हैं, तो एक स्कूप हुआ 60 ग्राम का। तो दोस्तों मैं इसको मिला देता हूं, ये मैंने पानी यहां से ले लिया है और मैं आपको दिखाने के लिए इसको ग्लास में मिक्स करूंगा, शेकर में नहीं। शेकर में तो बड़े इजीली मिक्स हो जाएगा, पर मिक्सिबिलिटी हम इसकी ग्लास में देखेंगे। तो मैं पानी ले लेता हूं आईडीए से, ये मैंने ऑलमोस्ट जो है 300-350 ml पानी ले लिया है, क्योंकि गेनर है तो यार ज्यादा पानी चाहिएगा। तो यहां ये इसकी एक स्कूप ये देख रहे हैं आप, और मैं हीप्ड स्कूप नहीं ले रहा हूं। हीप्ड स्कूप का मतलब होता है जब ये मतलब इस पहाड़ सा बन जाता है इसके ऊपर, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूं, ये होगा हीप्ड स्कूप जो कंपनी कह रही है, ये है बिल्कुल भरा हुआ। और इसको अगर हम लेवल तक रखेंगे, यहां तक मैं लेवल तक ही रखूंगा इसे, एक स्कूप ये रहा, तो इसको हम डालते हैं इसके अंदर। 60 ग्राम का है ये, 60 ग्राम का है। स्कूप की शेप जो है वो देखिए कैसी है, और ml में यहां पर दिया हुआ है स्कूप में। तो यहां ये मैंने डाल दिया है, अब इसको मिक्स करते हैं, जरा देखते हैं क्या है मिक्सिबिलिटी। देखिए कंपेयर टू प्रोटीन मिक्सिबिलिटी तो हार्ड होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये मिक्स ना हो इजीली, मिक्स होना चाहिए बड़े प्यार से, और हो भी रहा है। और कलर जो है थोड़ा सा लाइट चॉकलेटी कलर जो है आया है इसमें, खुशबू ठीक है, तो जरा टेस्ट भी करूंगा मैं इसे। दोस्तों देखिए टेस्ट सबका अलग अलग होता है, किसी को कुछ टेस्ट पसंद आता है, किसी को कुछ। तो ये टेस्ट वाली जो मार्किंग होगी वो मेरी बिल्कुल पर्सनली होगी, मैं ध्यान आपको पहले बता रहा हूँ। अभी बताता हूँ आपको क्या मार्किंग करूंगा मैं इसकी, थोड़ा सा मिला नहीं है अभी, अगर और थोड़ा सा मिलाएंगे इसे। तो यहाँ देख रहे हैं हम मिक्सिबिलिटी थोड़ी सी हार्ड रहने वाली है इसकी, शेकर में इजिली होना चाहिए मिक्स। तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ, दोस्तों अगर मैं टेस्ट की बात करूँ, देखिए हो अभी फिलहाल मैंने ये एक ही स्कूप लिया है और लेना भी एक ही स्कूप है, और मास गेनर कैसे यूज करना है इसको लेकर ये वीडियो बनाई हुई है, वीडियो आप देख सकते हैं। एक स्कूप के हिसाब से इसमें मिठास काफी ठीक है यार, एक बार दोबारा करता हूं, बिल्कुल आइडियल मिठास है, ना ज्यादा मतलब जो है ज्यादा मीठा लगेगा, ना ज्यादा फीका लगेगा, आइडियल मिड लेवल की मिठास है, और चॉकलेट की काफी अच्छी फ्लेवरिंग है। और जैसे और गेनर्स होते हैं ना उसमें जैसे पीते हैं थोड़ा सा गाढ़ा टाइप में आता है, तो यहां पर ऐसा हमें फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल लाइट मिक्सचर जो है हुआ है इसका। मे भी हो सकता है पानी मैंने ज्यादा मिला लिया हो उसकी वजह से भी हो सकता है, पर बिल्कुल लाइट आ रहा है और इजीली अंदर जा रहा है। तो मैं मेरे हिसाब से आइडियल है इसका जो मिठास है, तो मैं इसको 100 में से दूंगा 75। मैं पर्सनली जो है मुझे थोड़े से तेज मिठास वाले पसंद है मुझे, अब आपको हो सकता है हल्के मिठास वाले पसंद हो, तो अगर आपको हल्के मीठा वाला पसंद है तो ये आप जरूर इंजॉय करने वाले हैं इसको। और ये लेना दूध में है, ये ध्यान रखेंगे मास गेनर को दूध में लेना है, तो दूध में इसका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाने आए। तो आप जो है ये वीडियो देखें मास गेनर कैसे यूज करेंगे। तो 75 out of 100 मेरी तरफ से, ये रहा केविन लेब्रोन एनाबोलिक मास गेनर। मुझे मास गेनर की नीड नहीं है क्योंकि मेरी बॉडी एंडोमॉर्फ है, इजिली वेट पुट ऑन हो जाता है मेरा। तो यहां पर जो है ये हो गया है मास गेनर की ओपनिंग, ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसको ओपन कर दिया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी, और आप भी ऑर्डर डालना चाहते हैं केविन लेब्रोन एनाबॉलिक मास गेनर का, ओरिजिनल मिलेगा सप्लीमेंट फिला से, और बचना है फेक माफिया से। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो चली गई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगे, अवेयर रखेंगे मार्केट में अवेलेबल एक सप्लीमेंट से। आज की वीडियो में इतना, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बचे फेक माफिया से, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए सप्लीमेंट्स लगो याद रखें। नमस्ते।